नुकसान हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, बहुत दुखी भी हैं हम लोग, होना भी चाहिए, पर ये चुनौती कांग्रेस से ज़्यादा इस शहर को दे दी भारतीय जनता पार्टी। मैं इंदौर शहर के तमाम परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ, ये आपकी आत्मा को झंझोड़ा है बीजेपी ने, ये पत्रकारों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी उठ खड़े हो इस आतंक और अन्याय के खिलाफ। हम सुनते थे बिहार में कि बूथ कैप्चिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है, हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे, प्रत्याशी को लूट लिया, मतलब ये क्या मैसेज है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उसी के ओर पथ प्रदर्शक हैं हम। कैलाश विजयवर्गीय मेरे ख्याल से 67-68 साल के हो गए होंगे, हर व्यक्ति की एक उम्र होती है और उम्र के हिसाब से उसको एक अपने पूरे जीवन के आयाम अपने समाज को और अपने आने वाली पीढ़ी को देना होता है। उनने इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश की। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने ऑपरेशन का श्रेय नहीं लिया, आपने गालियां दी है इस इंदौर शहर के वोटरों को। आपने कहा है कि हम कुछ नहीं समझते हैं आप लोगों को, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक व्रत रणनीति बनाएंगे। मैं सभी पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूँ, हो सकता है आप लोग हमारी क्रिटिसिज्म भी करो कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अधिकार है आपका, पर इसके विपरीत भी आपको विचार करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो क्या होगा इस शहर का। ऐसे ही 100-100 करोड़ के घपले होंगे, ऐसे ही जो गुंडे और बदमाश नेताओं के संरक्षण में चंदा उगाही या प्लाटों पर कब्जा करते रहेंगे। क्या होगा इस शहर का कि जब वोट की ताकत में अनाप शनाप ताकत और आदमी अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर आपकी लेखनी को क्या समझेगा? एक दिन आप भी लिख नहीं सकते उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, उसको भी डराया धमकाया जाएगा और होता भी है, जनरली देखते रहते हैं हम लोग। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये केवल इन एक प्रत्याशी का फॉर्म नहीं निकला है, ये चीरहरण हुआ है इंदौर के लोकतंत्र का। और ये बहुत भावनात्मक तरीके से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक गांधीवादी पार्टी है, ऐसे दौर आए हैं हमारे सामने, पहले भी आए हैं, हमें पता है हम अभी हारे हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानियाँ ज़्यादा थी, लड़ाई भी बड़ी है और लड़ने की इच्छा शक्ति भी, ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी प्रकार का कोई खौफ है, पर यह ज़रूर है कि इंदौर शहर के नागरिकों से और ख़ासकर बुद्धिजीवियों से और आप सब से, मैं सोचता हूं ऐसे में आप सबको विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो लेगी, कांग्रेस तो लेगी ही, अपना निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू होने वाला है, तो उस पर अंकुश लगाना है, तो ये चुनाव उसकी एक धुरी बनेगी। हम बहुत सोच समझ और इंदौर शहर के हित में निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। अच्छे से बात हुई कोई आपकी कि क्यों ऐसा किया आपने? मेरी मैं मानता हूँ कि जो परिदृश्य बना अच्छे उसका इशू नहीं है, व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति होने के नाते उसने जो किया होगा वो क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या कारण थे, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, डरा लिया गया क्या, ब्लैकमेल कर लिया गया क्या, या मन से गया क्या, ये सब बातें हो सकती है। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ इस बात में, या कांग्रेस पार्टी पढ़ना चाहती है इस बात में कि क्या इंदौर शहर के मर्यादा ऐसे तार तार की जाएगी, उसका चीरहरण किया जाएगा, उसके लोकतंत्र के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाएगा। ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती चुनने वाली प्रोसेस, और जबरदस्ती का जो खराब वर्ड रहता है वो क्या होता है, याद है आप लोगों को? ये हो रहा है इंदौर शहर के लोकतंत्र के साथ।
ये मैंने बोला है आप लोगों को कि जो निर्णय होगा वो निर्णय हम आपको कल तक, कल शाम तक सोच समझ के इंदौर शहर के हित में जो निर्णय होगा वो कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस को करना चाहिए, जो उसकी उस कांग्रेस पार्टी की जो मूल भावना है देश के प्रति अपने समर्पण की, लोकतंत्र के प्रति अपने समर्पण की, जो आपके लेखनी के अधिकार को जिंदा रखने के लिए हमें जो करना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि हमारे पे ही संकट नहीं है, संकट आप पे भी है, संकट मीडिया के चौथे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे। तो भाई बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अक्षय को कांग्रेसियों ने एटीएम समझ लिया था, और कांग्रेस खुद कह रही है कि टिकट बेचा गया कांग्रेस का। देवेंद्र सिंह यादव ने कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के बोला कि टिकट बेचा कांग्रेसियों ने अक्षय को। मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये छोटे छोटे कारण, आरोप प्रत्यारोप, कमी और किसके अच्छे, एक मिनट भाई साहब, आपका सवाल सुन लिया मैंने और सही था, अब उत्तर सुनोगे क्या? बताइए। उत्तर ये है कि ये मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। हमारे पास इशू बड़ा वो है, व्यक्ति नहीं है, व्यवस्था किसकी कमी और किसने क्या किया और किसने क्या होगा ये विषय नहीं है। वो तो बोल रहे कि चलो भाई आगे की रणनीति क्या होगी। दूसरा, जो प्रत्याशी चयन किए जा रहे हैं, जब आपके सूरत में आपके साथ में ऐसी घटना होती है, इंदौर में इस तरह की घटना होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भोपा गया सूरत में आप मेरी पूरी बात उत्तर तय करेगी इसके लिए कि आप ऐसे कैंडिडेटों का चयन हो जो जाके आगे बदले ना। बिल्कुल सही है, मैं जैसा आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये फिनोमा देश ने पहले 10 साल में मोदी के नए भारत में देखा है, न्यू इंडिया में देखा है, अच्छे दिन में देखा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे झगड़े होते थे। अभी इन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया था, ये वैसे ही परिस्थिति है। आप इसको गंभीरता से नहीं लोगे इसलिए कि आज आपको महसूस नहीं हो रहा है, जिस दिन महसूस होगा उस दिन आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा कांड, ये देश की संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र, मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के राज में होने लगा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमने अपनी बात पूरी कही है और जो 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 मैं पूरा बोलूँ, आप बोलिए। आदरणीय इंदौर वासियों, कुणाल बाहर हो जा बेटा और मीडिया को आ जा, आगे की होगी उस पर हम आपको कल तक पूरी बात, ये सब हो गया। अभी अभी भैया मेरी बात, मेरी बात आखिरी हो, आदरणीय इंदौर के परिवारजनों, मीडिया जगत के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया समूह के सभी मालिकों, इंदौर शहर बुद्धिजीवियों का शहर है, आर्थिक राजधानी है, मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है, और जो आज यहाँ घटना हुई यही अंदेशा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके इस चुनाव का मोटिव बना रही। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश 75 साल की आज़ादी के बाद क्यों कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्यों सवाल उठ रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इंडिपेंडेंसी मीडिया की चाइना जैसी तो नहीं हो जाएगी भविष्य में, इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं। इंदौर शहर के परिवारजनों से मेरा अनुरोध है कि हमारा वो शहर है जो माँ अहिल्या की नगरी, जिसमें हमने सुना है किस्से और कहानियों में कि माँ अहिल्या ने न्याय के लिए अपने बच्चे को भी हाथियों के तले भेज दिया था। ये वो शहर है जो भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत समर्थन इन्हें दिया, सांसद में दिया, नगर निगम में दिया, अभी विधानसभा के चुनाव में भी दिया। तो अब हमारे शहर के लोग मत के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ताकत दी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन्होंने उनकी ताकत का उपयोग किया है, इंदौर शहर का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी।
अपमान किया यहाँ के नागरिकों का, हमारे इंदौर शहर के वोटरों को उनने चुनौती दी है बीजेपी ने, और ये कहा है कि लोकतंत्र अपनी जगह, हम ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखो कि मुझे बोलते हुए ये विषय नहीं है, पर 100 करोड़ से ज़्यादा का घपला नगर निगम में हुआ, करा बीजेपी ने ना, ये वोट किसने दिया था? इसी जनता ने दिया था और इसी का पैसा लिया है।